बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, आपको पहले ही बताया कि पति का मतलब है शुक्र और पत्नी का मतलब है बृहस्पति। दोनों बिल्कुल अपोजिट प्लेनेट हैं, लेकिन दोनों आचार्य भी हैं, दोनों गुरु भी हैं, इसलिए दोनों शुभता प्रोवाइड करते हैं। अब अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो जाए, मान लिया पुरुष का फायर एलिमेंट ज्यादा है या पत्नी का फायर एलिमेंट ज्यादा है, तो झगड़े होंगे, क्योंकि एक की अग्नि को अगर दूसरे की अग्नि बैलेंस नहीं करेगी तो बेवजह के झगड़े होंगे, जबान खराब होगी, बदजबानी होगी, बेवजह के झगड़े होंगे। आमतौर पर पुरुषों का मंगल ज्यादा होगा तो पुरुष मारपीट करेंगे, महिलाओं का मंगल ज्यादा होगा तो वो चीखेंगी चिल्लाएंगी। तो इस वजह से क्या होगा कि फायर एलिमेंट अगर बैलेंस नहीं है तो वैवाहिक जीवन में कला कलेश होगा। अगर शुक्र या बृहस्पति कमजोर है, पुरुष का शुक्र कमजोर हो गया, उसके पारिवारिक जीवन में कलह जरूर होगा। और किसी महिला का अगर बृहस्पति कमजोर हो गया, उसे अपने पति की आदतों से, हरकतों से हमेशा दिक्कत होगी, हमेशा चिढ़ होगी, जिस वजह से कलह कलेश बढ़ेगा। मान लिया पति या पत्नी में से किसी एक का मंगल दोष ज्यादा है, अगर पति का मंगल दोष ज्यादा है तो वो पत्नी के लिए भारी होगा, और अगर पत्नी का मंगल दोष ज्यादा है तो वो पति के लिए भारी होगा, झगड़े होंगे और यहां पर वायलेंस पैदा होता है, यहां पर हिंसा पैदा होती है, झगड़ा बढ़ता है, मारपीट की नौबत आ जाती है। अष्टम भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हों, पुरुष की कुंडली के अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठेंगे, पत्नी की सेहत बिगाड़ेंगे, पत्नी का स्वभाव खराब करेंगे, झगड़े होंगे। और महिला की कुंडली में अष्टम भाव में ग्रह बैठे हों पाप ग्रह, पति के स्वास्थ्य पर संकट पैदा करेंगे, पति का वाणी बिगाड़ेंगे, स्वभाव बिगाड़ेंगे, इस वजह से भी बेवजह का झगड़ा होगा। कभी कभी ग्रहों के अलावा क्या होता है कि हम ज्यादा फैशन के चक्कर में, ज्यादा मॉडर्न और खूबसूरती के चक्कर में अपने बेडरूम का रंग अजीब करवा लेते हैं, ब्राउन करवा लेते हैं, पीला करवा लेते हैं, चॉकलेटी करवा लेते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, बेडरूम का कलर अगर गड़बड़ होगा तो पति पत्नी एक साथ सोना बंद कर देंगे, पक्की तौर पे जानिए, एक साथ नहीं रहेंगे, बेडरूम में जाएंगे, दो मिनट बात करेंगे, तीसरे मिनट झगड़ा शुरू हो जाएगा। यानी अगर आपके बेडरूम का कलर परफेक्ट नहीं है तो भी झगड़ा होगा। शयन कक्ष या ईशान कोण में अगर गड़बड़ी है, आपके बेडरूम में अंधकार रहता है, लाइट नहीं आती, या आपके पूरब उत्तर का जो इलाका है, ईशान कोण है, वहां पे गड़बड़ी है अगर, तो ऐसी स्थिति में भी पति पत्नी के बीच में कलेश होता है। जिन लोगों की जन्म की तारीख का संबंध एक तारीख से हो, चार से हो, पांच से हो या आठ से हो, जिनका मूलांक एक, चार, पांच या आठ हो, उनके वैवाहिक जीवन में सामान्यतः कलह कलेश बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, देखिए, आप अपने घर में कुछ ऐसी गड़बड़ियां कर बैठते हैं जिस गड़बड़ियों की वजह से पति पत्नी के बीच में कलेश शुरू हो जाता है। आप हीरे की अंगूठी पहन लेते हैं, बेडरूम का रंग उल्टा सीधा करवा लेते हैं, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। आपको समझ ही नहीं आता आपके ग्रह ठीक है, दशा ठीक है, फिर भी कलेश हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो अपने घर में जंगल या हिंसक पशु पक्षियों के चित्र मत लगाइए। शेर का चित्र लगा लिया घर में, बाज का चित्र लगा लिया, जंगल का चित्र लगा लिया, ये सब आप अपने घर में मत लगाइए। अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में हथियार मत रखिए, नुकीली चीजें, चाकू वगैरह मत रखिए, या खाने की वस्तुएं कि अपने सेंटर टेबल पे, साइड टेबल पे आपने बिस्किट भर के रखा हुआ है, ये सब अपने बेडरूम में मत रखिए। अपने शयन कक्ष में देवी देवताओं के चित्र भी मत लगाइए। सिर्फ इसका एक अपवाद ये है कि जब कोई महिला गर्भवती हो तो अपने बेडरूम में भगवान कृष्ण का चित्र बचपन का लगा सकती है, अन्यथा अपने शयन कक्ष में देवी देवताओं के चित्र मत लगाइए। घर में हमेशा झाड़ू और चाकू संभाल करके, छुपा करके रखें।
झाड़ू का इस्तेमाल हो गया, पलंग के नीचे अलमारी के नीचे रख दिया, और चाकू जो है वो हमेशा उल्टा रखिए, हैंडल वाला हिस्सा उसका ऊपर रहेगा और उसको बेहतर होगा कि छुपा करके किनारे रखा जाए, ये बेहतर होगा। अगर आप चाकू का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ब्लेड है, उसको ऊपर की तरफ रखते हैं तो इससे बेवजह के कला कलेश पैदा होते हैं। पति पत्नी का चित्र अपने कमरे में या अपने घर में साउथ की दीवार पर मत लगाइएगा। जिन लोगों का देहांत हो जाता है, शरीर छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों का चित्र दक्षिणी दीवार पर लगाना चाहिए। सामान्यतः पति पत्नी अपना चित्र दक्षिण दीवार पर ना लगाएं। घर का जो शयन कक्ष है और जो बाथरूम है, ये बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। घर का बेडरूम और बाथरूम जितना साफ सुथरा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और घर में बिना फूलों वाले या बिना फलों वाले पौधे मत रखिएगा। आजकल तो खैर एयर प्यूरिफायर आ गए हैं, जो घर को प्यूरिफाई करते हैं वो एक आध आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि ऐसे पौधे रखिए जिसमें कभी कभी फूल भी होता हो, कभी कभी फल भी लगते हों, क्योंकि ऐसे पौधे रखने से घर में संतान की, वंश की वृद्धि होती है। और घर में ज़्यादातर ऐसे पौधे रखेंगे जिसमें किसी में फूल आता ही नहीं होगा या फल लगते ही नहीं होंगे, तो ये बहुत अच्छी सूचना नहीं है। देखिए, पति और पत्नी के बीच में अगर कलह कलेश ज़्यादा हो रहा है, पति पत्नी में प्रेम तो है, चाहते तो हैं साथ में रहना, लेकिन बेवजह का अगर कलह कलेश बढ़ रहा है तो क्या उपाय करना चाहिए? पति जो हैं ये शुक्र के वैदिक मंत्र का जप करेंगे, ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः। ये मंत्र पतिदेव को या तो अर्ली मॉर्निंग या तो सूर्यास्त के बाद जपना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, चीजें बेहतर होंगी। पत्नी जो है ये बृहस्पति के मंत्र का जप करेंगी, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप अगर पत्नी करेंगी तो बहुत शुभ होगा, अच्छा होगा। शयन कक्ष में अपने बेडरूम में या तो गुलाबी रंग लगा लीजिए, या तो धानी रंग लाइट ग्रीन लगा लीजिए, या सफेद रंग का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा होगा। वैसे नॉर्मली मैं कहता हूं सफेद ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो परफेक्ट कलर है, सारे कलर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आप सफेद नहीं लगाना चाहते तो अपने बेडरूम में गुलाबी या धानी रंग का प्रयोग करें, अच्छा होगा। और अपने बेडरूम में बहते हुए पानी का चित्र भी अगर आप लगाएं तो बहुत उत्तम होगा। पति पत्नी का जो चित्र है, खास तौर से उनके विवाह के समय का जो चित्र है, इसे पूरब या उत्तर की दीवार पर अगर आप लगाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। पति पत्नी का चित्र, खास तौर से विवाह के समय वाला, अगर पूर्व या उत्तर की दीवार पर लगाएं तो बहुत शुभ रहेगा। और पति पत्नी शुक्रवार को सफेद रंग की मीठी चीज, जैसे सफेद बर्फी है, सफेद खीर है, सफेद रसगुल्ला है, ये आप भगवान शिव को इसका भोग लगाएं शुक्रवार को, और पति पत्नी एक साथ इसको ग्रहण करें तो बहुत अच्छा होगा। घर के आगे मेन डोर के पास या घर के बीचों बीच में अगर जगह है तो वहां पर तुलसी का एक पौधा लगाएं, नियमित रूप से उसमें पानी डालें, उसकी देखभाल करें। और घर में शिव जी और माँ पार्वती का एक संयुक्त चित्र लगाएं, जिसमें भगवान शिव भी हों, माँ पार्वती भी हों, शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा करें, ज्वाइंट पूजा करें, निश्चित रूप से लाभ होगा, पति पत्नी के आपसी संबंध बेहतर होगा।